हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए गुजरात की फेमस डिश जिसे ढोकला बोलते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, लेकिन सबसे ये बहुत ही स्पॉन्जी नहीं बनता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ सिंपल टिप्स जिससे आपका ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है चने का बेसन। इसको डालेंगे एक बड़े बॉल में। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच डालेंगे नमक, आधे चम्मच डालेंगे पिसी हुई चीनी, दो चुटकी कुकिंग सोडा। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चम्मच डालेंगे नींबू का रस। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। एक साथ ज्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे और ढोकला अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा बैटर तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड, ढोकला का पेस्ट तैयार हो गया है। देखिए ऐसा होना चाहिए इसका, ना तो बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ऐसा होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसा होना चाहिए, तभी ढोकला अच्छा बनेगा। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनता है। तो रिफाइंड ऑयल का इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया इसमें। अब इसको मैं रखूंगी एक साइड। अब इसके लिए मैं केक टिन तैयार कर लेती हूँ। इस ढोकला को मैं केक टिन में बनाने वाली हूँ, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल करके इसे ग्रीस कर लूँगी ताकि ढोकला इसमें चिपके नहीं और बहुत अच्छे से निकल जाएगा बाहर। ढोकला को कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। आप इसे कुकर में, पतीले में भी बना सकते हैं स्टैंड लगा के। तो कढ़ाई में मैं रखूंगी स्टैंड। अब इसमें आधा ग्लास पानी डालूंगी। दो मिनट तक इसे गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर जिससे जो ढोकला है बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करना पड़ता है, इसे बहुत तेज़ तेज मत मिलाइएगा, धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए बेकिंग पाउडर को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया, ये थोड़ा फुला फुला लग रहा है। अब इसे मैं डालूंगी केक टिन में। थोड़ा सा टैप कर देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। पानी गर्म हो चुका है, इसमें मैं रखती हूँ इसको और इसे ढक करके लगभग 15 मिनट तक स्टीम करना है। देखिए फ्रेंड 15 मिनट हो गया है, मैं इसे चेक कर लेती हूँ ये हुआ है कि नहीं। ये देखिए चाकू में नहीं लगा, मतलब कि ढोकला हमारा तैयार हो गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ की हेल्प से, किनारों से एडजस्ट कर लेना है। ऑयल लगा है तो किनारा छोड़ ही दिया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए बड़े ही आसानी से निकल गया। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी है। कितना स्पॉन्जी बना है देखिए। अब हम ढोकले का तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए डालेंगे कढ़ाई में एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल, तेल गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स,
ये चटकने लगा है, अब इसमें डाल देंगे करी पत्ता। यह है चीनी पानी का घोल, इसको डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची, साथ में डालेंगे नींबू का रस 1 चम्मच और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक। 2 मिनट के लिए सारी चीजों को पका लेना है। ये देखिए तैयार हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके ढोकले के ऊपर डालना है, इससे ढोकले का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए फ्रेंड, मेरा सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बनके हो गया तैयार। मैंने इसे फ्रेश नारियल से इसकी गार्निशिंग की है। आप भी इसे ट्राई करें और इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।